गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं जा रहा हूँ मुक्ति धाम, मुक्ति पथ और एशिया का सबसे सेकेंड नंबर का कैनाल दिखाने जा रहा हूँ। तो सब कुछ कवर करेंगे और कई पार्ट में आएगा ये वीडियो, ये ब्लॉग। तो फिलहाल मैं हाटा बाजार से निकल रहा हूँ, चलिए मिलते हैं बड़हलगंज मुक्ति पथ। बस कुछ ही क्षणों के पल में हम बड़हलगंज मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे और आप सबको दिखाते हैं। तो जनपद आगमन पर धन्यवाद, जिला पंचायत गोरखपुर स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड, हम सब देखिए गोरखपुर बड़हलगंज में एंट्री कर चुके हैं और जस्ट 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे और आप सबको 1 सेकंड के अंदर मुक्ति धाम पहुँचा दे रहे हैं। 41 मुक्ति धाम 2 किलोमीटर गोला 19 किलोमीटर। तो यही रहा बड़हलगंज का चौक आ गया है। बड़हलगंज का चौक आप सबको दिखा देते हैं, हमारे जस्ट सामने यहाँ पर ये रहा, ये अंदर जाएगा और ये सीधे निकलेगा मुक्ति धाम, बड़हलगंज का अम्बेडकर चौक। आ गए हम लोग मुक्ति पथ। बहुत ही विशाल दिख रहा है भाई साहब मुक्ति पथ। ये देखिए ये रोड देखो भाई साहब, फंस गया एकदम। और चलो यहीं कहीं लगा दो बाइक, छाए ले चलो उस साइड। तो बाकी यहाँ पर सारे लोग बाइक खड़ा करते हैं तो हम भी बाइक खड़ा कर दी। यहाँ पर अपना जूता हम लोग जमा करेंगे। तो मेरा जूता यहाँ पर भैया जमा कर लिए हैं, ये रितेश का जूता। और बाकी हम लोग अभी यहाँ से एंट्री करेंगे गेट के अंदर। तो हम जा रहे हैं गेट के अंदर। गेट के अंदर घुसते ही पहले आपको एक्वेरियम मिलेंगे। तो देखिए एक्वेरियम है, बहुत ही गंदा पानी हो गया। ये देखिए नन्हे प्यारे, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं सब कछुए के। हेलो, चलिए पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शीतल जल पानी आपको मिलेंगे और मुझे फिलहाल पीने लायक नहीं दिख रहा है। और ये देखिए कितना, मतलब यहाँ का नज़ारा मतलब देखने बनता है भाई। अंदर का पार्क का बहुत ज़्यादा केयर भी किया जाता है। देखिए फिलहाल झाड़ू मार रहे हैं यहाँ पर सफाई करनी। यहाँ पर एक धर्मशाली टाइप का है, सब लोग बैठते हैं आराम करते हैं। उसमें बहुत ही अच्छी
हमारे पीछे देख सकते हैं आप सब शंकर जी का विशाल मूर्ति, बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रचलित मंदिर, मंदिर नहीं कह सकते हैं, पथ कह सकते हैं, मुक्ति पथ। तो चलिए अंदर चलते हैं, कुछ टाइप का इसमें हर चीज बताई गई है, मतलब बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और बताते हैं क्या चीज मतलब है। तो अंदर का कुछ है, पहुंच करके आप सब देख सकते हैं, संत कबीर दास जी, स्वामी नागा बाबा जी और ऐसे बहुत सारे हैं। तो दिखा दे रहे हैं सब कुछ फास्ट करके। देखिए जस्ट गुफा के पास में जा रहा हूँ, तो ये देखिए शंकर जी के जस्ट पीछे से गुफा है, यहाँ से एंट्री मारना है और अंदर चलते हैं पहले। तो गाइज आप सब देख सकते हैं शंकर जी का फुल व्यू। सो गाइज अब हम बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं पैर धुल के बाहर जाए क्या। अगर आप लोग अंदर जाते हैं तो यहाँ पे पैर धुल लिया कीजिए, लेकिन मैं आते समय नहीं धुला हूँ, अब जाते समय धुल रहा हूँ। और बाहर तो हम शूज लेकर अब चलते हैं नदी दिखाने आप सभी को। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I हमारे पीछे भारत का नक्शा का एक डायग्राम बनाया गया है बड़हलगंज मुक्ति धाम में, तो हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत प्यारा है। सो गाइस दिस बॉय इज कूदिंग दिस छत पर से नीचे, चलो भाई कूद जाओ। अरे कूदो, सो प्राउडली ब्रो। सो गाइज अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।
बंद है। गाइस हम चलते हैं हिंदू मुस्लिम एकता द्वार।